हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं नितेश सिंह। आप देख रहे हैं टेक्निकल नेविगेटर यूट्यूब चैनल एंड आज हम इस वीडियो में मरियानाज वेब के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो वीडियो आ गई है जिसका आप सबको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट इसके ऊपर वीडियो बनाने के मेरे पास आ रहे थे। एंड एक्चुअली ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट स्टिल आपके रिक्वेस्ट इतने ज़्यादा मेरे पास आए हैं मरियानाज वेब के एग्जिस्टेंस को लेकर वीडियो बनाने का कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। एंड मैंने इस वीडियो में जितने भी चीज़ें बताई हैं वो सारे फैक्ट्स हैं एंड वो सारे इन्फॉर्मेशन वैसे हैं जो फैक्ट्स पे बेस्ड हैं एंड इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो आप इन बातों को जानने के बाद खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि मरियानाज वेब एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है एंड एक्चुअली में मरियानाज वेब जो है वो क्या है। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए एंड पूरे वीडियो के एंड तक आप इस वीडियो को जो है वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मरियानाज वेब। मरियाना जो नाम है गाइज वो आया है मरियाना ट्रेंच से। मरियाना ट्रेंच, इफ़ आई रिमेंबर, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेस इन पैसिफिक ओशियन एंड ये डीपेस्ट प्लेस है पैसिफिक ओशियन का। ऑलमोस्ट 11.3 किलोमीटर्स की इसकी गहराई है, तो आप समझ सकते हैं ये कितनी ज़्यादा डीप है, कितनी ज़्यादा गहरी है। एंड साइंटिस्ट्स जो हैं अभी भी इस पर रिसर्च करते हैं कि आखिर इतनी गहराई में एक्चुअली क्या है। तो इसी मरियाना ट्रेंच से मरियानाज वेब जो है ये नाम आया है निकल के, क्योंकि मरियानाज वेब जो है गाइज वो इंटरनेट का सबसे डीपेस्ट पार्ट है। यू कैन से एक हिडन पार्ट, एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस पार्ट है इंटरनेट का जिसका नाम है मरियानाज वेब। ये इतना डीप है इंटरनेट पे कि आप इसको ना ही सरफेस वेब से के ब्राउजर्स से एक्सेस कर सकते हैं, ना ही आप इसको डीप वेब के ब्राउजर्स लाइक टॉर ब्राउजर्स एक्सेट्रा को भी यूज़ करके आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये अब एक्सेस कैसे होगा इसके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में लास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बता देता हूँ वेब के। आप सबको यूजुअली दो या तीन लेवल्स पता होंगे, लाइक सरफेस वेब आपको पता होगा, डीप वेब पता होगा, डार्क वेब पता होगा, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होंगी। बट सिर्फ यही दो या तीन लेवल्स नहीं होते हैं वेब के, वेब के और भी बहुत सारे लेवल्स हैं जिनके बारे में शायद आपको अब तक नहीं पता होगा, वो मैं आपको भी पहले बता देता हूँ टोटल लेवल्स के बारे में। सो सबसे पहले नंबर पर जो लेवल है वो है सरफेस वेब। इसके बारे में आप सबको पता होगा एंड एक्चुअली में हम जो भी चीज़ें इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, इंटरनेट पे देखते हैं, शेयर करते हैं, वो सब सरफेस वेब में चल रहा होता है। स्टिल ऐसा माना जाता है कि इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका सिर्फ 4% ओनली 4% इन्फॉर्मेशन आपको सरफेस वेब पे मिलती है। बाकी के 96% जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी के जो लेवल्स है वेब के वहाँ पे पाए जाते हैं। सरफेस वेब के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेवल आता है वो है वर्जी वेब। वर्जी वेब के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है एंड काफ़ी कम लोग इसके बारे में जानते हैं, इसका नाम भी काफ़ी कम लोग जानते हैं। थर्ड जो है वो हमारा आता है डीप वेब। इसके बारे में आप सबको काफ़ी पता होगा, पहले से काफ़ी लोगों को पता होगा इसके बारे में एंड काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, सुना भी होगा इसके बारे में। तो ये है हमारा थर्ड वाला लेवल। फोर्थ जो लेवल आता है वो आता है चार्टर वेब। चार्टर वेब गाइज इसके बारे में भी आपको मे बी शायद उतना नहीं पता होगा या आपने नाम थोड़ा बहुत सुना भी होगा। तो फोर्थ हमारा लेवल है चार्टर वेब। चार्टर वेब के बाद नेक्स्ट जो लेवल आता है वो है मरियानाज वेब, जिसके बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। मरियानाज वेब के बाद आता है द लेवल 6। ये भी एक लेवल है वेब का। लेवल 6 के बाद आता है द फॉग या फिर वायरस सूप लेवल एंड उसके बाद आता है द प्राइम आर्ट सिस्टम। ये सारे लेवल्स हैं जो कि वेब के ही लेवल्स हैं। इनमें से कुछ के बारे में आपको पहले से पता होगा या फिर कुछ के बारे में आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। तो इन्हीं लेवल्स का एक लेवल है मरियानाज वेब, जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं कि एक्चुअली में ये है भी या नहीं है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्यों है तो अगर क्यों है और अगर नहीं है तो फिर इसका नाम क्यों बार बार इंटरनेट की दुनिया में, बार बार डार्क वेब की दुनिया में उछल के सामने आता है। ओके, सो आइए जानते हैं मरियानाज वेब क्या होता है। काफ़ी लोगों का मानना है कि मरियानाज वेब इंटरनेट का डीपेस्ट पार्ट है, सबसे गहरा पार्ट, जहां पहुंच पाना एक जनरल, एक नॉर्मल यूज़र के लिए काफ़ी मुश्किल है एंड इम्पॉसिबल है, नियर टू इम्पॉसिबल है।
इवन आपके पास सरफेस वेब के ब्राउजर्स हो या फिर टॉर ब्राउजर हो, आप मरियानाज वेब को ईजिली एक्सेस नहीं कर सकते इनकी मदद से। ऐसा माना जाता है कि मरियानाज वेब जो है वो ऐसे डॉक्यूमेंट्स, ऐसे फाइल्स होस्ट करती है जो कि सीक्रेट्स हैं, डार्क सीक्रेट्स हैं गवर्नमेंट एजेंसीज़ के, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के, ऐसे सीक्रेट्स जो गवर्नमेंट नहीं चाहती हैं कि वो जनरल पब्लिक के पास पहुंचे या उनका एक्सेस हो उन सीक्रेट्स तक। उनको काफ़ी ज़्यादा एक सिक्योर वॉल्ट में रखा गया है स्टोर करके एज अ फॉर्म ऑफ डेटाबेस। ऐसा मानना है कि बहुत सारे मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो डेटा हैं, खुफिया कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो मरियानाज वेब पे होस्ट किए गए हैं एंड गवर्नमेंट डजंट वांट टू गेट दीज कॉन्फिडेंशियल डेटा इनटू द पब्लिक। बहुत सारे डिस्टर्बिंग वेबसाइट्स भी ऐसा माना जाता है जो कि यूजुअल वेबसाइट्स नहीं है, बहुत डिस्टर्बिंग वेबसाइट्स हैं, वो मरियानाज वेब पे होस्ट किए जाते हैं या फिर किए गए हैं जो कि अवेलेबल हैं मरियानाज वेब पे। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में जानकारी आपको मिलेगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ड्रग के बाय एंड सेल के बारे में जानकारी मिलेगी एंड भी बहुत ऐसी जानकारियाँ जो जनरली जनरल पीपल को अवेलेबल नहीं होती है सरफेस वेब या फिर डीप वेब पे भी, वो मरियानाज वेब पे एक्सेसिबल होते हैं, वो मरियानाज वेब पे होस्ट करके रखे जाते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। ओके गाइज, इंटरनेट पे मरियानाज वेब से रिलेटेड काफ़ी सारे रूमर्स हैं। ये रूमर्स इसलिए हैं क्योंकि ये अब तक प्रूव्ड नहीं हो पाए हैं। इंटरनेट पे काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो चारों तरफ फैली हुई है मरियानाज वेब से रिलेटेड एंड ये फैक्ट भी हो सकती हैं एंड नहीं भी हो सकती है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब मैं आपको वो बातें बताऊंगा तो आप डिसाइड कीजिए कि वो फैक्ट है या फिर नहीं है, आप उनको मानते हैं या फिर नहीं मानते, आप उसमें यकीन करते हैं या फिर नहीं करते, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सेम वैसा ही है जैसे आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो अब तक प्रूव्ड नहीं हो पाई है, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन उसका नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया, बट स्टिल काफ़ी सारे साइंटिस्ट उसमें बिलीव करते हैं एंड उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेम वैसा ही हमारा मरियानाज वेब के कुछ रूमर्स हैं। रूमर नंबर वन, पहला जो रूमर है मरियानाज वेब को लेके, वो ये है कि इस मरियानाज वेब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड रोबोट्स या फिर ह्यूमनॉइड्स, वो लोग इसको कंट्रोल करते हैं। ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स जिनके अंदर फीलिंग्स भी हैं, जो सेंस भी कर पाते हैं, यानी कि वो बहुत ही हाईली टेक्निकल है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक ऐसा मानना है कि इनफैक्ट ये जो पूरा मरियाना वेब है ये पूरी कंट्रोल में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स के द्वारा एंड वही इसको मैनेज करते हैं एंड वो पूरे इंटरनेट पे नज़र रखते हैं कि इंटरनेट पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है एंड वो सारी चीज़ों का एक डेटाबेस बना के एंड एक जगह पे स्टोर करते हैं। बट यहाँ पे फिर भी ये प्रूव्ड नहीं है ये चीज़, तो इसको हम फैक्ट नहीं मान सकते हैं, तो ये एक रूमर है। रूमर नंबर टू, मरियानाज वेब को माना जाता है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी है जो कि कलेक्शन ऑफ एक्स फाइल्स है। अब ये एक्स फाइल्स का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसा डेटाबेस है जहाँ पे मिलिट्री इंटेलिजेंस, जहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज के काफ़ी डार्क सीक्रेट्स स्टोर करके रखे गए हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के डार्क सीक्रेट्स को स्टोर करके रखा गया है। ऐसा मानना है गाइस कि मरियानाज वेब में सिटी ऑफ अटलांटिस, आपने सुना होगा ये एक हाइपोथेटिकल सिटी है, काफ़ी सारे मूवीज़ वगैरह में भी इसके बारे में जिक्र हुई है, यहाँ तक कि उसके बारे में भी जानकारी है। तो ये कितना सच है कितना झूठ है नोबडी नोज, बट ऐसा माना जाता है एंड ये प्रूव्ड नहीं है, इसलिए ये हमारा सेकेंड रूमर है मरियानाज वेब को लेकर। रूमर्स के साथ साथ काफ़ी सारे मिस्ट्रीज जो हैं वो मरियानाज वेब से जुड़े हुए हैं। इन्हीं मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है सिकाडा 3301। ये एक पजल मिस्ट्री है गाइस एंड ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये वन ऑफ द एडवांस्ड पजल है
जिसको बनाया गया है कुछ हाईली इंटेलिजेंट पीपल को पता लगाने के लिए, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, एंड वैसे इंटेलिजेंट पर्सन को ढूंढने के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जिनका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा है एंड वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं। तो जो वो ये पजल्स को सॉल्व कर देंगे सिकाडा 3301 के, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट हैं एंड उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा हायर या फिर उनका जो है बुलावा आएगा उन पर्सन्स को। एंड आई डोंट नो एंड वी डोंट नो कि आखिर उनके साथ क्या किया जाएगा या फिर उनका कहाँ पे क्या इस्तेमाल लिया जाता है या फिर लिया जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। तो ये भी एक तरह की मिस्ट्री है रिलेटेड टू हमारे मरियानाज़ वेब। थर्ड जो रूमर है गाइज मरियानाज़ वेब को लेके, वो ये है कि मरियानाज़ वेब को इंटेंशनली बनाया गया है बाय सम ग्रुप ऑफ हैकर्स। एंड ऐसा माना जाता है कि FBI ने जब हंटिंग स्टार्ट की हैकर्स की ऑल ओवर अक्रॉस द वर्ल्ड, FBI या फिर CIA हो गए या फिर NSA हो गए, जब इन्होंने हंटिंग स्टार्ट की हैकर्स की, तो उन्होंने एक टीम फॉर्म करके एंड ग्रुप ऑफ हैकर्स ने मरियानाज़ वेब को इन्वेंट किया, डेवलप किया। एंड ऐसा माना जाता है कि FBI से बचने के लिए इसे बनाया गया है एंड डार्क वेब के जैसे जैसे जो वेबसाइट्स हैं या फिर डार्क मार्केट प्लेसेस जैसे जैसे बंद होते गए, तो उन्होंने मरियानाज़ वेब को बनाया जहां पे कुछ डार्क फाइल्स, कुछ डार्क डॉक्यूमेंट्स, डार्क सीक्रेट्स जो है उसको स्टोर किए गए एंड हैकर्स की काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारे ऐसे हैक्टिविस्ट्स वाले जो चीज़ें होती हैं या काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें जो हैकर्स ने स्टोर करके इस मरियानाज़ वेब में रख दिया, ताकि FBI या फिर कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसीज इस तक आसानी से ना पहुंच पाए। सो मिस्ट्री या फिर रूमर नंबर चार, अगर रूमर नंबर चार में बात करें तो मरियानाज़ वेब को क्लोज्ड शेल सिस्टम्स कहा गया है एंड ऐसा माना जाता है कि मरियानाज़ वेब जो है ये कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ क्लोज्ड सेल सिस्टम्स है। क्लोज सेल सिस्टम्स क्या होते हैं गाइज? ये एक ऐसा नेटवर्क ऑफ कंपोनेंट्स है, एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है जो कि हाईली रेस्ट्रिक्टेड है, जिसका एक्सेस बाहर से कोई भी नहीं कर सकता है एंड सिर्फ उसी को एक्सेस होगा जिसके पास इसका एक्सेस की होगा या फिर जिनको पता होगा कि इसको कैसे एक्सेस किया जा सकता है। ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स रेस्ट्रिक्शंस एंड सिक्योरिटी, इनको सिर्फ और सिर्फ कुछ रेयर लैन नेटवर्क्स से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि क्वांटम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। यू कैन इमेजिन गाइस, क्वांटम कंप्यूटर इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक एंड ये बहुत ही ज़्यादा हाईली पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, इवन मोर पावरफुल देन अ सुपर कंप्यूटर। तो उन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हुए एक यू कैन से बहुत ही रेयर लैन नेटवर्क के थ्रू इनको एक्सेस किया जा सकता है एंड जनरली इनको एक्सेस नहीं किया सकता है बिकॉज दीज आर क्लोज्ड सेल सिस्टम्स। ओके, ये तो सारे रूमर्स हो गए एंड ये पता चल गया कि हाँ ये काफ़ी मुश्किल है हमारे मरियानाज़ वेब को एक्सेस कर पाना, बट इसको कैसे एक्सेस किया जाता है या फिर कैसे एक्सेस किया जा सकता है पॉसिबली होपफुली, तो इसके लिए गाइज ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि देयर इज एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम है, उस एल्गोरिदम का नाम है पॉलीमेरिक फैल्सीघॉल डेरिवेशन। ये जो एल्गोरिदम है गाइज ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करके ही इसको सॉल्व किया जा सकता है, नॉट बाई जनरल कंप्यूटर्स। तो अब ये कितना फैक्ट है ये भी नहीं पता, काफ़ी लोग इसको भी फैक्ट नहीं मानते, काफ़ी लोग इस पे भी डाउट करते हैं कि ऐसा कोई एल्गोरिदम है भी क्या, ये पॉलीमेरिक एल्गोरिदम जो है ये एक्चुअली है भी क्या। तो पॉलीमेरिक फैल्सीघॉल डेरिवेशन जो है ये इसलिए बनाया गया ताकि कोई बंदा जो एक्सेस करना चाहता है मरियानाज़ वेब को, पहले उसको ये एल्गोरिदम सॉल्व करना पड़ेगा क्वांटम कंप्यूटर का मदद की मदद से। एंड माना जाता है कि ये जो एल्गोरिदम है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, जिसको अगर कोई सॉल्व करने जाता है तो उसको एडवांस कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ेगी एंड ही शुड हैव द नॉलेज और शी शुड हैव द नॉलेज ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब जाके कहीं ये एल्गोरिदम वो सॉल्व कर पाए, तब जाके वो एक्सेस ले पाए मरियानाज़ वेब का, जो नियरली टू इम्पॉसिबल या फिर यू कैन से कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं, कुछ र्यूमर्स हैं मरियानाज़ वेब को लेके, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं मरियानाज़ वेब को लेके। अब मरियानाज़ वेब को लेके काफ़ी सारे और भी इन्फॉर्मेशंस हैं, काफ़ी सारे और भी अटकलें लगाई जाती है, लाइक आखिर ये अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसकी बातें आती ही क्यों हैं,
इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही क्यों इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है या हमें कुछ पता या है कुछ, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका एग्जिस्टेंस तो ज़रूर होगा, वो चाहे अदर फॉर्म में ही हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो, मारियानास वेब के फॉर्म में ना हो, बट इससे मिलता जुलता इसकी तरह का कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर अगर ऐसा है तो इसे बनाया किसने, क्यों बनाया, ऐसी चीज़ बनाई ही क्यों गई जो एक्सेसिबल ही ना हो जनरल पब्लिक के लिए, या फिर एक्सेस करना काफ़ी नियर टू इम्पॉसिबल लगता हो। तो ऐसा माना जाता है गाइस कि काफ़ी सारे डेवलप्ड नेशंस लाइक US, चाइना, रसिया जैसे नेशंस जो है, इन्होंने जॉइंटली कम्बाइंडली जो है एक ऐसी सीक्रेट प्लेस बनाई, एक वॉल्ट बनाया, एक जगह बनाया है जिसका एक्सेस जो है वो जनरल सरफेस या डीप वेब के थ्रू नहीं किया जा सकता, एंड उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर का यूज़ करके ही किया जा सकता है। कुछ स्पेशलाइज्ड एक्सेस कीज जब होंगे तभी किया जा सकता है, कुछ सीक्रेट एल्गोरिदम्स को सॉल्व करके ही किया जा सकता है, एंड तब जाके वहाँ का एक्सेस मिल सकता है, एंड वहाँ पे एक तरह से इंफॉर्मेशन का भंडार है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाइड्स हैं, जो कॉन्फिडेंशियल्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के हैं, मिलिट्री एजेंसीज के हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, एंड दे डोंट वॉन्ट अस टू रीच देयर, दैट्स वाई दे हैव जस्ट केप्ट सीक्रेट ऑल ऑफ दिस। नाउ अब ये कितनी सच है एंड कितनी गलत है, कितनी झूठ है, ये सब आपको डिसाइड करना है। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप मेरे इन इन्फॉर्मेशन से कितना ज़्यादा सहमत है। अगर आपको भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, कुछ जानकारी है मारियानास वेब के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर कोई और भी टॉपिक इससे रिलेटेड जो इस पे बेस्ड है अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, बट एक्चुअली एंड ओनली फैक्चुअल, नॉट ऐसे कोई कहानी, कोई स्टोरी, ऐसा कुछ फर्जी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि इल्यूमिनाटी जो है यहाँ से ऑपरेट करते हैं, एंड इल्यूमिनाटी का कंट्रोल है मारियानास वेब पे, एंड वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन मारियानास वेब को ही जो है यूज़ करते हैं। सो ये सब बातें भी फैक्चुअल नहीं है, ये भी बातें एक रूमर है, अगर आप रूमर्स हैं तो आप मान भी सकते हैं, आप नहीं भी मान सकते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे बताइए आप इन सब में बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही फिलहाल, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।